बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम सब अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से खौफज़दा होते हैं। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे को हम सब खौफज़दा होते हैं। हर एक के अंदर ये डिफरेंट होता है। किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को लिज़र्ड से डर लगता है, किसी को अंधेरे का फोबिया है, किसी को स्पाइडर से डर लगता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें आज के एपिसोड में। आई एम राबिया आगा विद अ न्यू एपिसोड, लेट्स बिगिन। हमारा आज का टॉपिक है फोबियाज। क्या होते हैं फोबियाज? फोबियाज होते हैं हमारे खौफ, ऐसे खौफ, फियर ऑफ अननोन, यानी कि उन चीज़ों ने हमें कभी नुकसान भी नहीं पहुंचाया होता, लेकिन हमारे दिमाग में वो इतना ज़्यादा खौफ बैठा होता है चीज़ों के बारे में कि हम लोग उनसे खौफ ज़दा हो जाते हैं। जैसे भी मैंने अब तमाम इन रेप्टाइल्स का जिक्र किया, स्नेक से तो मेरा ख्याल है दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो नहीं डरते, और ज़्यादातर लोग कोई डॉग से डरता है, कोई बफेलो से डरता है, किसी को ब्लड से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है। तो इस तरह के डिफरेंट फोबियाज हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ होते हैं। और जितने लोग भी ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, आप में से हर कोई किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर डरता होगा, लेकिन आप जानते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? आपके बचपन में कोई ऐसा वाकया, आपके बचपन में किसी का ऐसा डरा देना, किसी का ऐसा आपको किसी भी चीज़ के बारे में खौफज़दा कर देना जो कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपके साथ रहता है। तो ये प्रोग्राम स्पेशली मैंने मदर्स के लिए डिज़ाइन किया है, और ये मदर्स के लिए है, और मैं चाहती हूँ कि वो मदर्स जिनके बच्चे इस वक्त छोटे हैं, और अगर वो उनको किसी चीज़ से डराती हैं, अगर उन्होंने होमवर्क करवाना है तो वो किसी लिज़र्ड से डरा दिया, या किसी डॉग से डरा दिया, या फादर का खौफ दिला दिया कि आपके फादर को मैं बताऊंगी और वो आपको डांटेंगे, ऐसा मत करें। क्योंकि बच्चे बाप से भी खौफज़दा हो जाते हैं, जो कि सबसे ख़तरनाक साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में। कभी भी अपने बच्चे को किसी चीज़ से मत डराइए, क्योंकि ये खौफ पूरी ज़िंदगी उसका साथ रहता है, और वो पूरी ज़िंदगी इस कदर मुश्किलात से अकेले लड़ता है कि पेरेंट्स तो शायद उनको तसव्वुर भी नहीं होता कि वो अपने बच्चे को किस मुश्किल में डाल चुके हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक किस्म होती है फोबिया की, वो एगोराफोबिया होता है, जो कि आप पब्लिक प्लेसेस में जाते हुए या आप सोशलाइज करते हुए आप डरते हैं, खौफज़दा होते हैं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सोशलाइज़ नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, बात नहीं कर पाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसकी वजह से अगर कोई इवेंट आ रहा है तो हम कई दिन पहले ही, कई हफ्ते पहले ही हम लोग परेशानी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। लोगों की बातों का खौफ कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा तो फोबिया हमारी सोसाइटी का ही है। हम ऐसे बहुत सी क्रिएटिव चीज़ें करना चाहते हैं, हम ऐसे बहुत से काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो बचपन से एक फोबिया डाल दिया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, वो पूरी ज़िंदगी हमारी क्रिएटिविटी को, हमारी प्रोडक्टिविटी को मुतासर करता है, और हम उस तरीके से वो चीज़ें नहीं कर पाते जिस तरह से कि हम कर सकते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक वो बच्चा थी जो कि गेस्ट आते थे तो छुप जाती थी, और हमारे यहाँ पे अक्सर बच्चे अब जो हैं वो रिलेट कर सकते हैं इस बात से कि जब कोई गेस्ट आते थे तो हम लोग छुप जाते थे, क्योंकि हमें खौफ होता था कि अब हम इतने लोगों के सामने कैसे जाएंगे। ख़ुद को प्रेजेंट करना, उन लोगों से बात करना, वो बहुत मुश्किल लगता था। और लेकिन अगर आज मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि अगर आप ऐसे किसी भी फोबिया का शिकार हैं या आप किसी भी ऐसे परेशानी से गुज़र रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि पब्लिक स्पीकिंग मुश्किल है, या आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर सकते, तो आप मेरी एग्जांपल लीजिए कि मैं यहाँ पे सब लोगों से आके बात करती हूँ, मैं डिफरेंट इवेंट्स में जाती हूँ, मैं वहाँ पे जाके पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती हूँ, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या वीकनेस है और आपने उस वीकनेस को कैसे ओवरकम करना है, और हमें उन तमाम फोबियाज़ को अपने अंदर से खुद निकालना है। जब हम अपने जहन में ये बात बिठा लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो वो खौफ की शिद्दत कम हो जाती है, क्योंकि फिर हम एक्सट्रीम लेवल पर जाके सोच चुके होते हैं कि अच्छा चलो ये हो जाएगा, ठीक है देखते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको अच्छी बात नहीं करनी आती, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप उस हर खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। तो अपने आप को आज़ाद कीजिए
हर उस खौफ से जिसका आप शिकार हैं। आई होप कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आपसे मिलेंगे फिर एक और एपिसोड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।